करेंगे कि चीन हिंदुस्तान के अंदर घुस आया है सीमा में, वो कहेंगे कि पाकिस्तान को तो मोदी जी ने डरा दिया। और जितने मीडिया के चैनल हैं, ये दल्ले हैं मोदी के, खुले तौर पे कह रहा हूँ। सुना आपने किस तरह ये जनाब मीडिया को खुलेआम दल्ला बोल रहे हैं। सुल्तानपुर के लोग तो इन्हें पहचान ही गए होंगे, और जो लोग नहीं पहचान पाए उनके लिए हम बताए देते हैं कि ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और सुल्तानपुर की नगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी अनूप संडा है, जिन्होंने खुले मंच से मीडिया पर अपनी बदजुबानी का जोर दिखाया। वो ये बात नहीं करेंगे कि चीन हिंदुस्तान के अंदर घुस आया है सीमा में, वो कहेंगे कि पाकिस्तान को तो मोदी जी ने डरा दिया। और जितने मीडिया के चैनल हैं, ये दल्ले हैं मोदी के, खुले तौर पे कह रहा हूँ। ये अंबानी अडानी के पैसे से चलते हैं, ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं। और ये क्या दिखाते हैं, ये 200 रुपए का तेल नहीं दिखाते, ये कोरोना में मरने वाले लोगों की तादाद नहीं दिखाते हैं जो बगैर ऑक्सीजन के मर गए। ये दिखाते क्या है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तीसरी शादी से उनकी पहली बीवी बहुत नाराज हो गई। अरे इमरान खान 5 शादी करें, हमको क्या करना है। दरअसल अनूप संडाल सुल्तानपुर शहर के छतौना इलाके में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां वो इस कदर भावनाओं में बह गए कि उन्होंने मीडिया को ही दल्ला बोल दिया। और जितने मीडिया के चैनल हैं, ये दल्ले हैं मोदी के। और जितने मीडिया के चैनल हैं, ये दल्ले हैं मोदी के, खुले तौर पे कह रहा हूँ। ये अंबानी अडानी के पैसे से चलते हैं, ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं। दरअसल पिछले काफी अरसे से अनूप संडा को लगता है कि मीडिया उन्हें कवरेज नहीं दे रहा, और उनकी कथित प्रेमिका समरीन खान को मार्जिन दिया जा रहा है। आपको बता दें कि समरीन खान ने अनूप संडा पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे उनके सियासी करियर पर दाग भी लगा है। उसी दाग को मिटाने के चक्कर में अनूप संडा ने अपनी जुबान का सहारा लिया और मीडिया पर आग उगलनी शुरू कर दी है। हालांकि देखना ये होगा कि पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं। सुल्तानपुर से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए मोहम्मद आसिफ दुलार के साथ अफजल खान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।